हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज हम हलवाई से भी टेस्टी छोले कुकर में बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में ये टेस्टी छोला बनके तैयार होगा। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, तो चलिए इस छोले को बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कुकर रखा है। कुकर के गर्म होते ही इसमें 4 से 5 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 बड़ी इलायची लिया है, इसे बीच से तोड़ लिया है। 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा और 4 लौंग लिया है। इसे तेल में डालेंगे। 2 तेज पत्ता डालेंगे। एक बार इसे मिक्स कर लें। 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, जीरे को डालेंगे। जीरा अब अच्छी तरह से भुन गया है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 10-15 कली लहसुन, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, इसे डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन को 5 से 6 सेकंड तक भून लेंगे। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है, इसे डालेंगे। कश्मीरी मिर्च तीखा नहीं होता है, इससे छोले का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 4 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है, इसे डालेंगे। प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे ये प्याज अच्छी तरह से भून गया है और ये ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, इसे डालेंगे। 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 चम्मच छोला मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मसाले को भी भून लेंगे। 3 मिनट बाद अब इसमें हमने 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसका भी पेस्ट बना लिया है। टमाटर के पेस्ट को डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी थोड़ी देर पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। 200 ग्राम काबुली चना मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। अब इस भिगे हुए चने को मसाले में डालेंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चना मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, इतनी ग्रेवी मुझे सही लग रहा है। अभी ये छोला पकने के बाद भी ये ग्रेवी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। आपको अगर चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ा पतला रखें, और भटूरा के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा रखें। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है। एक बार नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर में 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी अब आ चुका है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे 2 सीटी और आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर जब कुकर से निकल जाए उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। तो कुकर अब ठंडा हो चुका है। अब इसे खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं छोले का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत टेस्टी बना है। मसालों से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चना भी अब पक चुका है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा ये टेस्टी छोला बनके तैयार है। इसे आप भटूरे, पूरी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं।
और बहुत ही कम समय में ये छोला बनके तैयार हुआ है। तो हमारी ये छोला की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए ढेर सारी रेसिपी ऐसे ही लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।